A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey. Students, partial differentiation ki video ki series mein main agla video aapke samne lekar ke aaya hu. Isse pehle ki video mein humne maximum minima ke bare mein padha tha. Uske link main description mein dal dunga. Aap purane videos bhi maximum minima ke dekh sakte hain. To maximum minima maine do working rule mein bata diya hai. पहले वीडियो में हमने तीन वेरिएबल्स पे मैक्सिमम मिनिमा देखा था और सेकंड वीडियो में मैंने आपको लैग्रांजेस मेथड बताई थी. लैग्रांजेस मेथड में क्या था, आपको एक यू में इक्वेशन दी थी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स थे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कुछ वेरिएबल्स थे और इसके साथ साथ ये जितने वेरिएबल्स थे ये वेरिएबल्स की अलग अलग इक्वेशंस फिर से दी थी, कंडीशन जो थी वो अलग से दी थी. तो हमने क्या किया था, इससे पहले du इज इक्वल टू जीरो निकाला था और उसके बाद ये सारी इक्वेशन जो थी इनको फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री करके सबको डिफ्रेंशिएट किया था, डी फाइव वन डी फाइव टू. और डिफ्रेंशिएट करने के बाद पहले इक्वेशन को वन से मल्टीप्लाई, दूसरे को लेमडा वन, तीसरे को लेमडा टू, ऐसे जितने भी इक्वेशन थी सबको अलग अलग इनडिटर्मिनेट से मल्टीप्लाई किया था और ऐड कर दिया था. ऐड करने के बाद हमको किसी न किसी इनडिटर्मिनेट की वैल्यू निकालनी थी और वैल्यू निकालने के बाद हमको वो जितने भी वेरिएबल थी उनकी वैल्यूज हमको एक लैम्डा या लैम्डा वन या लैम्डा टू के टर्म्स में मिल रही थी और उसी को हमने क्या बोला था, स्टेशनरी पॉइंट. एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जो यू है या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा. और अगर आपको कंडीशन निकालनी थी तो हमने उस जो लैम्डा की वैल्यू आई थी उसको किसी भी एक कंडीशन में सब्स्टिट्यूट किया था तो हमको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल गई थी. तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक के स्टेप्स तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में देखिए. आप फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस. तो एक फंक्शन यू ये दिया हुआ है आपको और कंडीशन ये दी हुई है, तो सिर्फ आपको मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन ही निकालनी है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमम है. तो हम इसको u मान करके du यू इज इक्वल टू जीरो निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले वाले को वन से, दूसरे वाले को लेमडा से मल्टीप्लाई करके पहले हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे. तो देखते हैं वहाँ आगे का सॉल्यूशन. तो लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m वाई एन जेड पी सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a. इसमें लॉग ले लेते हैं, लॉग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m log x प्लस n log y प्लस p log z सब्जेक्ट टू द कंडीशन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू a. इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा, वन अपॉन u du, इसका डिफ्रेंशिएशन m अपॉन x dx, n अपॉन y डी वाई, पी अपॉन जेड डी जेड. तो डी यू इज इक्वल टू आ गया एम यू एक्स डी एक्स प्लस एन यू वाई डी वाई प्लस पी यू जेड डी जेड. नाउ क्या निकालना था हमको, डी यू इज इक्वल टू जीरो, तो डी यू इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो और यू इसमें से हट जाएगा. एम अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एन अपॉन वाई डी वाई प्लस पी अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री. और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर. तो इक्वेशन थ्री को वन से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन फोर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है. दो इक्वेशन हैं तो अगर और भी इक्वेशन थी तो हमने अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई किया था. तो m अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एन अपॉन वाई डी वाई प्लस पी अपॉन जेड डी जेड और इसको लेमडा से, लेमडा डी एक्स प्लस लेमडा डी वाई प्लस लेमडा डी जेड इज इक्वल टू जीरो. तो हमने क्या किया, इसको u मान करके log ले लिया, log लेने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करके डी यू इज इक्वल टू जीरो से एक इक्वेशन ही मिल गई और इसको डिफ्रेंशिएट करके एक इक्वेशन ही मिल गई. दोनों को, एक को वन से और दूसरे इक्वेशन को लेमडा से मल्टीप्लाई किया हमने और ऐड कर दिया. अब इसके बाद क्या करना था हमको,
इसके बाद डी एक्स वाले टर्म्स एम अपॉन एक्स प्लस लेमडा डी एक्स एन अपॉन वाई प्लस लेमडा डी वाई और पी अपॉन जेड प्लस लेमडा डी जेड इज इक्वल टू जीरो। फिर हमने क्या किया था, इक्वेटिंग द कोफिशेंट ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड टू जीरो। तो एम अपॉन एक्स प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो, एन अपॉन वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो और पी अपॉन जेड प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, x कितना आएगा, पहले राइट साइड में जाएगा और x इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस एम अपॉन लेमडा, y की वैल्यू माइनस एन अपॉन लेमडा और z की वैल्यू माइनस पी अपॉन लेमडा। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, एक्स वाई जेड यानी कि माइनस एम अपॉन लेमडा माइनस एन अपॉन लेमडा और माइनस पी अपॉन लेमडा, ये स्टेशनरी पॉइंट है। अभी हमको लेमडा की वैल्यू भी निकालनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर टू जो सेकंड इक्वेशन थी, तो माइनस एम अपॉन लेमडा माइनस एन अपॉन लेमडा माइनस पी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, तो लेमडा इधर आ जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एम प्लस एन प्लस पी अपॉन ए। तो स्टेशनरी पॉइंट एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन लेमडा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ए एम अपॉन एम प्लस एन प्लस पी, ये एक्स की वैल्यू, यहाँ रखेंगे लेमडा की वैल्यू, वाई कितना आ जाएगा ए एन अपॉन एम प्लस एन प्लस पी और जेड की वैल्यू पी एन अपॉन एम प्लस एन प्लस पी। तो ये स्टेशनरी पॉइंट हमको मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंडीशन निकालनी है तो हम सीधे वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन नहीं निकालनी है हमको, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना था, जो इक्वेशन आपको पहले ही दी थी और जो दूसरी दोनों इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके हमको उसको, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है और इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके क्या मिलता है हमको। ये जो इक्वेशन थी ये थी लॉग यू इज इक्वल टू एम लॉग एक्स, लॉग लेने के बाद जो इक्वेशन थी एन लॉग वाई प्लस पी लॉग जेड, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वन अपॉन यू अपॉन डेल एक्स एम अपॉन एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में वाई वाला वेरिएबल जीरो, और क्योंकि जेड एक्स वाई जेड में अगर इक्वेशन है तो एक वेरिएबल बाकी दो पे डिपेंड करेगा ही, तो जेड को हम मान ले रहे हैं कि जेड एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अगर जेड एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो जेड का ना तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा और ना ही वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा वन अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यानी कि ये आ गया वन अपॉन यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स प्लस पी अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। आई थिंक दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 5। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए था, तो एक्स का 1 वाई का 0 और जेड का डेल जेड अपॉन डेल एक्स और ए का 0, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा माइनस 1। और ये माइनस वन वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह पे तो कितना आ जाएगा वन अपॉन यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स माइनस पी अपॉन जेड। हमको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तभी हमको ये आगे के स्टेप सॉल्व करना है। अगर आपको सिर्फ कंडीशन निकालनी थी तो हम लैम्डा निकाल करके उसमें रखते तो हमको सीधे कंडीशन मिल जाती, लेकिन हमको कंडीशन नहीं निकाल करके हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला और इसमें से जो सेकंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके आया था ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इस वैल्यू को यहाँ रखा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसके आगे देखिए
अब फिर से हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन यू ऐसे रहेगा, और डेल यू अपॉन डेल एक्स का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया। फिर वन अपॉन यू का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर, एक डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा यू का डिफ्रेंशिएशन, और एक डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले से है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में माइनस एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस ये प्लस हो जाएगा पी अपॉन जेड स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। वन अपॉन यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वन अपॉन यू स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर, माइनस एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमने पहले से निकाला हुआ था, तो इसकी जगह रख लेते हैं माइनस वन, तो ये फिर से निगेटिव हो जाएगा पी अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी हमने इसमें रख दी। अब हमको मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन निकालनी है, तो एट स्टेशनरी पॉइंट डेल यू अपॉन डेल एक्स शुड बी जीरो। जिस भी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा उस पे आपके जो स्लोप बनेंगे वो सब स्लोप्स क्या होंगे, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है, क्योंकि हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो स्टेशनरी पॉइंट पे ही मिलेगी, तो स्टेशनरी पॉइंट पे डेल यू अपॉन डेल एक्स जीरो होगा। इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन जेड स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन जेड स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि इसमें एक तो एक्स का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एक्स ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और जेड का स्क्वायर ये करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, तो ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, और आगे से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एट स्टेशनरी पॉइंट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी किस पॉइंट पे, जो स्टेशनरी पॉइंट हमने निकाला हुआ है। देयरफॉर यू इज मैक्सिमम एट द स्टेशनरी पॉइंट, और स्टेशनरी पॉइंट पे अगर ये मैक्सिमम है और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन के निकालनी भी है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इस फंक्शन में रख देंगे तो हमको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो वैल्यू रख लेते हैं, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू क्या था, एक्स की पावर एम। एक्स की पावर एम का मतलब ए एम अपॉन एम प्लस एन प्लस पी की पावर एम, वाई की पावर ए एन अपॉन एम प्लस एन प्लस पी की होल पावर एन, और पी सॉरी जेड पी एन अपॉन एम प्लस एन प्लस पी की होल पावर पी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ए की पावर एम प्लस एन प्लस पी, जो हमारा ये जेड आ रहा है, आई थिंक ये जेड होगा एन, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो जेड की वैल्यू एन अपॉन एम प्लस पी ये आ रही होगी इसमें, तो ए की पावर एम प्लस पी आ जाएगा यहाँ पे, और एम की पावर एम एन की पावर पी, और यहाँ पे ए एन आ करके ए पी आएगा, और पी की पावर पी अपॉन एम प्लस पी की पावर कितनी हो जाएगी, एम प्लस पी। तो ये फंक्शन की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा जो पीछे के स्टेप्स हैं। तो हमको क्या करना है, मैं आपको एक फिर से एक बार इसका रिवीजन, इस जनरल आइडिया इसका एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया है उससे डी यू इज इक्वल टू जीरो निकालना है, जो कंडीशन दी है उसको डिफ्रेंशिएट करना है इसको वन से, जो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना है लेमडा से, और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद
हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में निकालनी है, वो स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा, और एक्स वाई जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको लैम्डा मिल जाएगा, और फिर से लैम्डा की वैल्यू एक्स वाई जेड में रखेंगे तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, और यही पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। अगर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में अगर ये तीनों पॉइंट रखने के बाद नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फंक्शन में रख दीजिए, तो फंक्शन में रखने के बाद आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। इन अ प्लेन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। प्लेन ट्राइंगल आपको दिया हुआ है और फंक्शन क्या है, u इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब जो क्वेश्चन पहले किया हमने उसमें हमको कुछ कंडीशन भी दी होती थी, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर ट्राइंगल के फॉर्म में दी है तो हमको पता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम क्या होगा, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया पाए, टेकिंग लॉग इन इक्वेशन वन, लॉग ले लेते हैं, लॉग u इज इक्वल टू लॉग कॉस a प्लस लॉग कॉस b प्लस लॉग कॉस c। आपको याद होगा हम क्या करते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन के लिए du यू इज इक्वल टू जीरो निकालते थे, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वन अपॉन यू डी यू, लॉग कॉस a का क्या होगा, पहले वन अपॉन कॉस a और कॉस a का माइनस साइन a, और a का क्या हो जाएगा डी ए, ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस साइन b अपॉन कॉस b डी बी, और ऐसे ही हो जाएगा माइनस साइन c अपॉन कॉस c डी सी। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, डी यू इज इक्वल टू जीरो, और डी यू इज इक्वल टू जीरो का मतलब इस ये u को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर जीरो रखेंगे तो बात तो वही है कि u हट जाएगा उसमें से, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, माइनस टैन a डी ए माइनस टैन b डी बी और माइनस टैन c डी सी इज इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसको किसको डिफरेंशिएट करना था, 2 को, फ्रॉम 2 डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या प्रोसीजर था, इस इक्वेशन को 1 से, इस इक्वेशन को लैम्डा से, इक्वेशन 3 इंटू 1 प्लस इक्वेशन 4 इंटू लैम्डा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ लैम्डा आएगा, डी ए कॉमन भी ले रहे थे, वन प्लस सॉरी टैन ए प्लस लैम्डा इंटू डी ए प्लस टैन बी प्लस लैम्डा इंटू डी बी, और तीसरा टर्म क्या होगा, टैन सी प्लस लैम्डा इंटू डी सी इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद का प्रोसीजर क्या था, हमने क्या किया था, dx dy dz के कोफिशिएंट को इक्वल रखा था जीरो के, यहाँ पर dx dy dz की जगह पर da db और dc आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ da db dc टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस tan a, ऐसे इसको जब जीरो रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टैन बी आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टैन सी, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टैन ए इज इक्वल टू माइनस टैन बी इज इक्वल टू माइनस टैन सी। अब आप देखिए जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन की कंडीशन है, वो सेकेंड इक्वेशन की कंडीशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम पाए है, और यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि ए बी सी तीनों का टैन सेम है, इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल होंगे, और तीनों एंगल इक्वल होंगे तो तीनों का सम 180 भी है और तीनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब तीनों कितने डिग्री के हैं, 60, या फिर तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 3। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाए है और ये तीनों इक्वल हैं,
therefore a is equal to b is equal to c is equal to pi by 3. तो जो हम अभी तक स्टेशनरी पॉइंट निकालते थे वो स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, ए बी सी तीनों की वैल्यू पाई बाय 3 कॉमा पाई बाय 3 कॉमा पाई बाय 3. अब ये स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट हमको मिल रहा होगा जिसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने पे वो नेगेटिव आ रहा होगा. तो अब हम क्या करेंगे, जो इसको लॉग लेकर के हमने लिया था, लॉग फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 थी वो, क्या था, लॉग यू इज इक्वल टू क्या था, लॉग कॉस ए प्लस लॉग कॉस बी प्लस लॉग कॉस सी. आपको याद होगा जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया था उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ x के जगह पर a ले लेते हैं. तो a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल ए, इसका क्या हो जाएगा, माइनस टैन ए. और b का अगर हम a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0. और आपको मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल में भी बताया था कि तीनों में से एक वेरिएबल को हमको डिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो इसका हो जाएगा माइनस टेन सी और डेल सी अपॉन डेल ए. तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल ए, 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल ए कितना आ गया, माइनस टेन ए और माइनस टेन सी डेल सी अपॉन डेल ए. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5, फिफ्थ इक्वेशन है. अब इसके बाद इस वाले टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम 2, ए का ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1, बी का 0 और सी का हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल ए और पाई का हो गया 0. तो डेल सी अपॉन डेल ए क्या हो जाएगा, माइनस 1. पुटिंग दिस वैल्यू इन फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन यू अपॉन डेल ए इज इक्वल टू माइनस टेन ए और ये क्या हो जाएगा, माइनस वन इसकी जगह पर रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा टेन सी. फिर से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए. तो फिर से क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन यू ऐसे रहेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर, फिर 1 अपॉन यू का माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल ए भी आएगा और एक डेल यू अपॉन डेल ए फिर से है, डेल यू अपॉन डेल ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर. और राइट साइड में क्या होगा, टैन ए का क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ए के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और टैन सी का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर सी और डेल सी अपॉन डेल ए. तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि डेल यू अपॉन डेल ए क्या होगा, या डेल यू अपॉन डेल एक्स जो हमने इससे पहले न्यूमेरिकल में 0 लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल ए 0. तो 1 अपॉन यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर ए. और डेल सी अपॉन डेल ए कितना निकाला था हमने, माइनस 1, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर सी. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉमन यू सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर सी. तो ये पॉजिटिव आगे से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. तो अगर हम ए की जगह पे पाई बाय 3, सी की जगह पे पाई बाय 3 रखेंगे तो ये डेल स्क्वायर यू ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है एट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पाई बाय 3. तो मैंने आपको बताया था कि अगर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर या डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम. देयरफॉर यू इज मैक्सिमम एट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पाई बाय 3. अब हमको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय u इज इक्वल टू कॉस ए की जगह पे कॉस पाई बाय 3, कॉस बी की जगह पे पाई बाय 3 और सी की जगह पे पाई बाय 3. तो कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 × 1/2 × 1/2. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इज 1/8 एट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पाई बाय 3.
अगला न्यूमेरिकल क्या है? शो दैट इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉन्स्टेंट, इट्स एरिया इज अ मैक्सिमम व्हेन इट इज इक्विलेटरल. आपको ये प्रूव करना है कि अगर इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉन्स्टेंट, अगर किसी ट्राइंगल का पैरामीटर कॉन्स्टेंट है तो उसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब वो कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा. तो क्लास नाइन्थ का कुछ कंसेप्ट आपको पहले याद होना चाहिए. हेरॉन्स फॉर्मूला जो पढ़ा था आपने, उसमें हम एस को डिनोट करते थे सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी, ये सेमी पैरामीटर होता है. अगर इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरामीटर. तो पैरामीटर का सिंबल था, और एरिया क्या होता था, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये एरिया का फॉर्मूला था, ये सेमी पैरामीटर का. तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट ए बी सी बी द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीन साइड हमने ए बी सी मान ली. देन पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, टू एस ए प्लस बी प्लस सी. ये ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट दिया हुआ है. और दूसरा एरिया, एरिया को यू मान लेते हैं हम. यू क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. लॉग ले लेते हैं तो टू लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एस प्लस लॉग एस माइनस ए प्लस लॉग एस माइनस बी प्लस लॉग एस माइनस सी. ये इक्वेशन नंबर वन हो गई. और सब्जेक्ट टू द कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. तो अब आपको क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ जाएगा. अब हमको क्या करना है, फिर उसी तरीके से डी यू इज इक्वल टू जीरो यहाँ से निकाल, फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू अपॉन यू डी यू, और लॉग एस का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन जीरो, क्योंकि हम एस जो है वो एस इसका सेमी पैरामीटर है, और जब पैरामीटर कांस्टेंट है तो सेमी पैरामीटर अपने आप ही कांस्टेंट हो गया, और सेमी पैरामीटर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो. इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एस माइनस ए, और एस माइनस ए का माइनस डी ए. ऐसे माइनस डी बी अपॉन एस माइनस बी, और माइनस डी सी अपॉन एस माइनस सी. ये किसकी वैल्यू हो गई, डी यू की. नाउ डी यू इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, कि अगर आप डी यू को जीरो रख रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस डी ए अपॉन एस माइनस ए, माइनस डी बी अपॉन एस माइनस बी, माइनस डी सी अपॉन एस माइनस सी इज इक्वल टू जीरो. और ये जीरो आएगा तो अगले स्टेप में माइनस साइन कॉमन आएगा, तो ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो गए. तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई. अब इसके आगे कौन सी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, इक्वेशन टू को. क्या हो जाएगा, डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर. फिर उसी तरीके से इक्वेशन थ्री इंटू वन प्लस इक्वेशन फोर इंटू लेमडा. तो इसको वन से और इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए वाले टर्म एक साथ, वन अपॉन एस माइनस ए प्लस लेमडा इंटू डी ए प्लस वन अपॉन एस माइनस बी प्लस लेमडा इंटू डी बी प्लस वन अपॉन एस माइनस सी प्लस लेमडा इंटू डी सी इज इक्वल टू जीरो. क्या करते थे इसके बाद, दो तीनों के कोफिशियंट को जीरो रखते थे, इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स ऑफ डी ए डी बी डी सी टू जीरो. तो कोफिशियंट्स को जीरो रखेंगे तो देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमको. इसको जीरो रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एस माइनस ए. इसको जीरो रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन अपॉन एस माइनस बी, और इसको जीरो रखेंगे तो माइनस वन अपॉन एस माइनस सी. इस पूरी इक्वेशन में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस ए, वन अपॉन एस माइनस बी, और वन अपॉन एस माइनस सी.
रेसिप्रोकल कर देते हैं तो माइनस वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस माइनस ए इज इक्वल टू एस माइनस बी इज इक्वल टू एस माइनस सी। अब इसमें देखते हैं आगे, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे एस माइनस ए इज इक्वल टू एस माइनस बी करेंगे तो एस से एस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी, ऐसे बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ गया, इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। तो ये एक पार्ट तो हो गया कि ट्राइंगल इक्विलेटरल तो है, लेकिन अभी भी हमको क्या प्रूफ करना है कि इसका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। नाउ वी हैव टू शो दैट दैट एरिया इज मैक्सिमम कब, जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, यानी कि ट्राइंगल क्या होना चाहिए इक्विलेटरल, उस केस में एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या किया था, फ्रॉम वन टू लॉग यू इज इक्वल टू क्या था, लॉग एस प्लस लॉग एस माइनस ए प्लस लॉग एस माइनस बी प्लस लॉग एस माइनस सी। इसको हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ए बी सी में से किसी भी एक के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टू अपॉन यू अपॉन डेल ए, पहले टर्म का जीरो, सेकेंड टर्म का वन अपॉन एस माइनस ए, और एस माइनस ए का माइनस आ जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए। जरूरी नहीं है ए के रिस्पेक्ट में करें, बी और सी के रिस्पेक्ट में से किसी में, तीनों में से किसी भी एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एस माइनस बी का ए के रिस्पेक्ट में जीरो, और जैसा कि बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक जो वेरिएबल है वो दोनों पर डिपेंड करेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं होगा। सेकेंड टर्म का जीरो, थर्ड टर्म का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस माइनस सी, और फिर माइनस सी का क्या हो जाएगा, डेल सी अपॉन डेल ए। ये वैल्यू आ गई किसकी, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन, फोर्थ, आई थिंक फिफ्थ इक्वेशन हो गई है। अब फ्रॉम टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू क्या था हमारे पास, कि जो ए प्लस बी प्लस सी था वो कांस्टेंट था, तो इसको भी ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वन, बी का जीरो, और इसका हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल ए इज इक्वल टू जीरो। तो डेल सी अपॉन डेल ए कितना आ गया, माइनस वन। पुटिंग दिस वैल्यू इन फिफ्थ, फिफ्थ इक्वेशन में अगर हम इसको रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, टू अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल ए माइनस वन अपॉन एस माइनस ए, माइनस वन रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एस माइनस सी। अगेन क्या किया था, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो टू यू, टू अपॉन यू ऐसे रहेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर, फिर टू अपॉन यू का हो जाएगा माइनस टू अपॉन यू स्क्वायर, और डेल यू अपॉन डेल ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस एस माइनस ए का होल स्क्वायर, पहले तो ये आएगा, और ये पावर ऊपर जाएगी माइनस करेंगे तो माइनस वन का डिफरेंशिएशन, मतलब माइनस पावर का करेंगे तो पहले प्लस हो जाएगा, फिर माइनस ए का फिर से क्या हो जाएगा, एक माइनस फिर से आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एस माइनस सी का होल स्क्वायर, और फिर से माइनस सी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और आ जाएगा डेल सी अपॉन डेल ए। ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, आप लॉन्ग मेथड से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ये ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या था, डेल यू अपॉन डेल ए जीरो रखना है, इसको जीरो रखते हैं तो टू अपॉन यू इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर, और माइनस एस माइनस ए का होल स्क्वायर, और डेल सी अपॉन डेल ए क्या है, माइनस था तो माइनस में आ जाएगा एस माइनस सी का होल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस यू अपॉन टू वन अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाली क्वांटिटी फिर से क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। हेयर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव,
देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम व्हेन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और यही हमको प्रूफ भी करना था। इक्विलेटरल हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था क्योंकि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ रहा था। तो जो भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए इसमें हमने मेनली क्या करना है, डी यू इज इक्वल टू जीरो करना है, जो बार बार आपको बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद जो और अदर इक्वेशन है उनको डिफ्रेंशिएट करना है इसको वन से, और इसको लैम्डा वन लैम्डा टू जितने भी इक्वेशन है सबको ऐड करके वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालने के बाद आपको जितने भी वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू निकालनी है, और इनकी वैल्यू निकालने के बाद आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, फिर आपको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। अगर ये नेगेटिव आ गए तो ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हर एक वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको देता हूँ जो न्यूमेरिकल्स मैं वीडियो में आपको बताता हूँ, तो जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको आज बताए हैं उसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूँ, वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो मैंने स्टेप्स आपको दो तीन न्यूमेरिकल्स में बताए। ईजिली सबका सोल्यूशन मिल जाएगा, सबके आंसर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप आंसर भी अपना टैली कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये यू हो जाएगा, और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, तो डी यू इज इक्वल टू जीरो आप यहाँ से निकालोगे और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको वन से मल्टीप्लाई, इसको लैम्डा से, फिर आगे की प्रोसेस वैसे ही फॉलो करनी है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मिनिमम बोल रहा है तो मिनिमम का मतलब यह है कि यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आ रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तभी ये मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, वो ये आ रही है, आंसर मैंने इसमें लिख दिया है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो ये क्या हो गया आपका, यू हो गया, ये वाला पूरा फंक्शन क्या हो गया, यू, और कंडीशन आपको ये दी है, तो उसी तरीके से स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम बोला हुआ है, तो भैया तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, आंसर में मैक्सिमम आ रहा है तो इसका मतलब ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। थर्ड, फाइंड अ प्लेन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट, यू तो आपको दिया हुआ है इसमें, हैज मैक्सिमम वैल्यू, एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाया था, तो इसमें एक कंडीशन जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी वो है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, और यू वाली इक्वेशन आपको दी है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसमें फिर से वो जो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर जो आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, प्रूव दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है रेक्टेंगुलर सॉलिड का, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर इज अ क्यूब। स्फेयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो आपको जो सब्जेक्ट टू द कंडीशन है वो कंडीशन ये यूज़ करनी पड़ेगी, और वॉल्यूम क्या होता है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये जो हम यू वाली इक्वेशन लेते थे इसको आप चाहें तो यू मान सकते हैं, यू वाली इक्वेशन ये हो गई, लॉग ले लेंगे आप इसमें, लॉग ले करके सॉल्व हो जाएगा, और कंडीशन आपको ये दी है, तो यहाँ से डी यू इज इक्वल टू जीरो निकालना है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो वॉल्यूम है मैक्सिमम तभी होगा जब ये क्या होगा, क्यूब, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ रहा होगा, और एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए अपॉन रूट थ्री, तो आगे के स्टेप्स आपको वही फॉलो करना है, इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। और लास्ट क्या है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैलोपाइप दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सॉइड दिस इज 8 ए बी सी अपॉन 3 रूट 3, तो ये भी आपको रेक्टेंगुलर पैलोपाइप का वॉल्यूम लेना है, वो यू हो जाएगा, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है, ये है, तो इसके हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें, तो मैक्सिमम मिनिमा का ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, तो आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।